बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में चैप्टर नंबर 10 का थ्योरो नंबर 3 समझेंगे। थ्योरो नंबर 3 है, इन एनी कोरिस्पॉन्डिंग्स ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कोरिस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम डायग्राम बना के इसके जो है ना स्टेटमेंट समझते हैं। अब हम सबसे पहले ट्राइंगल ड्रा करते हैं। बी सी ए बी सी, एक और ट्राइंगल हम ड्रा करते हैं। अब इसमें ई एफ डी ई एफ, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास डी ई एफ। ये दो ट्राइंगल्स आपने बना ली। इन एनी कोरिस्पॉन्डिंग ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कोरिस्पॉन्डिंग थ्री साइड ऑफ द अदर, देन दी टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें सबसे पहले अब हम लिखेंगे गिवन, गिवन में हम लिखेंगे ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी कोरिस्पॉन्डिंग है डी ई एफ के। ये इन एनी कोरिस्पॉन्डिंग ऑफ टू ट्राइंगल, ए बी सी कोरिस्पॉन्डिंग है डी ई एफ के। अब उसके बाद फिर आपने क्या ले लेना है, इनकी थ्री साइड्स, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कोरिस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर, जो इसकी थ्री साइड्स हैं और उसकी थ्री साइड्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। अब ये वाला पार्ट आ गया। अब इसमें आपने लिखना है ए बी, ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी ई के इसके, इसी तरह से ए सी, ए सी डी एफ के। एंड बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ये बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के। अब देखें, अब स्टेटमेंट को देखें, इन एनी कोरिस्पॉन्डिंग ऑफ टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स कोरिस्पॉन्डिंग हैं, ये ए बी सी ये दो ट्राइंगल्स है ना, ये कोरिस्पॉन्डिंग है। इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइडें कॉन्ग्रुएंट है, जैसे ए बी है डी ई, इसी तरह से ए सी और डी एफ और बी सी और ई एफ। ये देखिए, थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कोरिस्पॉन्डिंग थ्री साइड ऑफ द ट्राइंगल, अगर ऐसी बात हो तो फिर ये जो ये चीज़ है ना, ये अब ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने गिवन में लिख लिया। अब ये जो लास्ट वन पे चीज़ होती है ना, देन दी टू ट्राई एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये हमें प्रूफ करना आता है। तो हम प्रूफ करेंगे कि अगर अगर दो ट्राई एंगल कॉरिस्पॉन्डिंग है और इनकी थ्री साइड्स भी कॉरिस्पॉन्डिंग है, थ्री साइड भी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये ट्राई एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, टू प्रूफ कि ये दोनों ट्राई एंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। अब इसकी स्टेटमेंट और गिवन और प्रूफ जरा दोबारा देखें। इसका क्वेश्चन ये था कि अगर दो ट्राई एंगल कॉरिस्पॉन्डेंस है और इनकी थ्री साइड्स भी कॉरिस्पॉन्डेंस है, थ्री साइड सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्राई एंगल कॉन्ग्रुएंट होगी।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सबसे पहले गिवन में लिख लिया, दो ट्राइंगल्स को आपने कॉरिस्पॉन्डेंट कर लिया और थ्री साइडों को आपने कॉन्कुरेंट किया। देखें ए बी डी ई, फिर ए सी, फिर डी एफ, फिर बी सी, फिर ई एफ। तो प्रूफ में आपने लिखा कि ए बी सी कॉन्कुरेंट है डी ई एफ की। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन अब कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एम ई एफ एस दी न्यू पोजिशन ए बी सी। अब आपने एम ई सी एक और ट्राइंगल बना लेनी है। इसको नाम दे देना है एम को। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं वन और टू, यहाँ पर थ्री और फोर। अब एम, अब नई ट्राई एंगल आपने कंस्ट्रक्ट कर दी, कंस्ट्रक्ट एम ई एफ एस दी न्यू ट्राई एंगल। सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एम ई एफ एस दी न्यू पोजिशन। आपके पास कंस्ट्रक्ट एम ई एफ एज द न्यू पोजिशन ऑफ ए बी सी। अब पॉइंट बी फॉलिंग ऑन ई एंड सी। अब पॉइंट बी कहां पर है? पॉइंट सेकंड वन पे लिखेंगे पॉइंट बी। पॉइंट बी कौन सा वाला? ये पॉइंट बी फॉलिंग ऑन ई एंड पॉइंट सी। पॉइंट सी फॉलिंग ऑन अब पॉइंट बी, यानी कि इस ट्राइंगल का पॉइंट बी फॉलिंग ऑन ई। ठीक है, यानी कि जो इस ट्राइंगल का ये वाला कॉर्नर है ये इसके ई के बराबर है। ऑन इसी तरह से सी, जो सी है वो किसके बराबर है? एफ के। पॉइंट बी फॉलिंग ऑन ई एंड पॉइंट सी फॉलिंग ऑन एफ। ये आपके पास कंस्ट्रक्शन के दो पॉइंट हो गए। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कंस्ट्रक्ट एम ई एफ एज द न्यू पोजिशन ऑफ ए बी सी। अब पॉइंट बी फॉलिंग ऑन ई एंड पॉइंट सी फॉलिंग ऑन एफ। सो द साइड बी सी कोइंसाइड ईच साइड ई एफ। यानी कि जिस तरह से पॉइंट बी सी है इसी से मिलती जुलती है, इसी से की तरह की ई एफ। अब थर्ड वन पे लिखेंगे सो द साइड बी सी कॉन्साइड्स विद ई एफ। सो
सो द पॉइंट सो द साइड बी सी कोइंसाइड विद ई एफ वेयर एज पॉइंट ए टेक द पोजिशन पोजिशन अब ये जो नई वाली पोजिशन के मुताबिक एम अपोजिट टू डी वेयर एज पॉइंट ए टेक्स द पोजिशन ऑफ एम अपोजिट टू डी वेयर एज पॉइंट ए टेक्स द पोजिशन ऑफ एम जो कि डी से अपोजिट है जॉइन डी एंड एम ये हमने पहले ड्रा कर लिया नंबर फाइव पे लिखना है लास्ट पॉइंट जॉइन डी एंड एम डी और एम को मिला लेना है अब पहले इसकी जरा रिवील कर लेते हैं गिवन प्रूफ और कंस्ट्रक्शन की अब हम स्टेटमेंट से रिवील करते हैं स्टेटमेंट सबसे पहले ये थी कि अगर दो ट्रायंगल कोरिस्पोंडेंस हैं तो इनकी दोनों ट्रायंगल्स की तीन साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी अब इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन अब गिवन में सबसे पहले लिखना है ए बी सी कोरिस्पॉन्डिंग है डी ई एफ के फिर इसी तरह से तीन साइड्स इसकी ले लेनी है ए बी डी ई के ए सी डी एफ के बी सी ई एफ के और फिर लिखना है इसका प्रूफ ट्राई एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के थर्ड वन पे कंस्ट्रक्शन इसकी थोड़ी टफ है ये अच्छी तरह से समझ लें कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट एम ई एफ एज द न्यू पोजिशन ऑफ ए बी सी अब आपने एम ई एफ ट्राइंगल ड्रा कर लेनी है ये ए बी सी की जो न्यू पोजिशन है इसी तरह से पॉइंट बी फॉलिंग ऑन ई एंड पॉइंट सी फॉलिंग ऑन एफ So the side BC coincides with EF. Where point A takes the points where as point A takes the position of M. यानी कि जो position A की है वो ही M की है लेकिन सिर्फ D के opposite है. Join D and M. अब ये आपके पास हो गई construction. अब last one पे जो हम देखते हैं वो आपके पास आ जाते हैं स्टेटमेंट चोरिजन अब स्टेटमेंट्स और रीजन प्रूफ में आ जाता है सबसे पहले ए बी ये वाला ए बी डी ई और एम ई ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी ई कॉन्ग्रुएंट है एम ई के गिवन इसमें लिखेंगे हम गिवन एंड कंस्ट्रक्शन गिवन एंड कंस्ट्रक्शन
अब सेकंड वन पे हम लिखेंगे एंगल वन, एंगल थ्री, एंगल वन कॉन्ग्रुएंट एंगल थ्री के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन डी ई एम, ये वाला वन और थ्री, ये देखें ना इनकी अपोजिट से, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन डी ई एम। अब सिमिलरली ए सी, ए सी डी एफ और एम एफ, सिमिलरली जिस तरह से आपने इस तरह से लिखा इसी तरह से आपने लिखने हैं ए सी कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के, कॉन्ग्रुएंट है एम एफ के। इसमें भी वही लिखेंगे गिवन एंड कंस्ट्रक्शन, गिवन एंड कंस्ट्रक्शन। अब देखे ना वन को थ्री के लिखा था, इसी तरह से टू को फोर के, एंगल टू कॉन्ग्रुएंट एंगल फोर के, एंगल यही लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन डी एफ एम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन डी एफ एम। अब आपने इस तरह से लिखना है। अब नेक्स्ट है आपके पास, आप देखिए आपके पास ये कितने हो गए, वन टू थ्री फोर पॉइंट हो गए। अब ये दोबारा देखें जरा, ये फोर पॉइंट ए बी, ए बी देखें डी ई और एम ई, यानी कि इसकी ये वाली साइड गिवन एंड कंस्ट्रक्शन, फिर वन थ्री के, ये देखिए वन थ्री के एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन डी ई एम। अब इसी तरह से ये वाली साइड ले, पहले आपने ये वाली ले ली ना, अब ये वाली ले ए सी डी एफ के और इसी तरह से एम एफ के, गिवन एंड कंस्ट्रक्शन एंगल टू कॉन्ग्रुएंट एंगल फोर के। अब नेक्स्ट है आपके पास मेजर एंगल वन, मेजर एंगल वन प्लस मेजर एंगल टू इज इक्वल टू मेजर एंगल थ्री प्लस मेजर एंगल फोर। अब ये देखें वन टू और थ्री और फोर, मेजर एंगल वन प्लस मेजर एंगल टू इज इक्वल टू मेजर एंगल थ्री मेजर एंगल फोर के, इसके रीजन में कुछ भी नहीं लिखना। अब एंगल डी, एंगल डी डी इसमें एम के इक्वल है, एंगल डी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एम के, इसको वन वाले को इसको वन का नाम दे दें और इसको टू। अब इसमें लिखेंगे यूजिंग वन एंड टू, इसी तरह से ए, ए एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल एम के और एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है डी के। अब इसमें लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन और इसमें लिखेंगे यूजिंग ये डी वाला हो गया ना थ्री यूजिंग थ्री एंड फोर। अब ये जरा यहाँ से दोबारा देख लें, अब ये वाले फोर पॉइंट्स तो क्लियर थे। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट लिखा वन प्लस टू फिर मेजर एंगल थ्री प्लस मेजर एंगल फोर। अब देखें यहाँ से डी, यानी कि जो स्टेटस डी के हैं वो इस दूसरे वाले ट्राइंगल में एम के है, यानी कि ये वाला जो इसका कॉर्नर है ना डी है और ये एम है, एंगल डी को आपने एंगल एम के इस तरह से इक्वल कर देना है। इसी तरह से ए, जिस तरह से यहाँ से ये वाला कॉर्नर ए है और इसी तरह से यहाँ पर एम है ए एम के, फिर इसी तरह से ए
एंगल डी के पर भी है, देखे ना, ए एक तो डी के इक्वल है और एक एंगल ए एम के भी इक्वल है, और इस तरह से। अब आपने लिखना है ये, यहाँ से अब ये आपके पास हो गए 4 पॉइंट्स, 4, 4, 8। अब आप नेक्स्ट जो है ना वो ट्राई एंगल का रिलेशन लिखेंगे। सबसे पहले ट्राई एंगल आपके पास है ए बी सी, कॉरिस्पॉन्डिंग है डी ई एफ की। फिर इसी तरह से आपने लिख लेना ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी ई के। ये जब आपने देखे गिवन में लिखा हुआ है ए बी डी ई के कॉन्ग्रुएंट है, इसी तरह से एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, तो ये आपके पास प्रूव्ड है पहले। फिर ए सी कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के, ये आपके पास है गिवन। तो लास्ट वन पे आप लिख लेंगे हैंस ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के। अभी आपके पास आ जाते हैं 5 पॉइंट, और ये टोटल आपके पास टोटल पॉइंट है 13। ये आपने इस तरह से याद करना है। अब स्टेट ये यहाँ से ट्राइंगल का रिलेशन ज़रा देख लें, ए बी सी, ये देखें ए बी सी डी ई एफ, फिर इसी तरह से ए बी डी ई, एंगल ए एंगल डी के, ए सी डी एफ के, और लास्ट वन पे आपको पता है ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग की जगह पर कॉन्ग्रुएंट डाल के, तो ये आपके पास जाना प्रूफ करता है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।